378 दिन किसान बैठे रहे, डटे रहे, सर्दी गर्मी बरसात, 750 किसानों की मौत हो गई, सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? धनखड़ साहब सरकार है क्या? तब वो गवर्नर नहीं, धनखड़ साहब सरकार है क्या? अपमान की परिभाषा समझना चाह रहा हूँ। सीधे किसान और जाट, वो एंगल भी वो लेकर आ गए। टेनी के बेटे ने चार किसानों को अपनी जीप के तले रौंद दिया, तब अपमान नहीं हुआ था किसानों का कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल? पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद आपके तब केंद्रीय मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद, अर्बन नक्सल कहा गया, तब किसानों का सम्मान हो रहा था? जब हमारी बहन बेटियां, इस देश की आन बान शान, हमारी महिला पहलवान बैठी थी, और बृजभूषण शरण सिंह पर जो गंभीर यौन शोषण के आरोप थे, वो हमारी बहन बेटियों का अपमान नहीं था क्या? शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो संजय निरुपम, इधर उधर की बात ना करें, सीधे पॉइंट पर आए। मिमिक्री करने की क्या जरूरत? और कोई मिमिक्री कर भी रहा है तो उसका वीडियो बनाने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? ये उपराष्ट्रपति के पद का अपमान नहीं है क्या? बुनियादी मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा, संसद की सुरक्षा से जुड़ा। जिस तरीके से मनमाने ढंग से लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने और राज्यसभा के सभापति महोदय ने विपक्ष के सांसदों की बगैर कोई बात सुने उनको सस्पेंड कर दिया और सदन से बाहर निकाल दिया, उससे क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया था। तो सारे के सारे विपक्षी सांसद बहुत नाराज थे। ठीक है, निश्चित तौर पर उनका सवाल सिर्फ इतना था कि भाई सुरक्षा में चूक कहां से हुई, और इस विषय के ऊपर गृह मंत्री और हो सके तो प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा विषय था। मिमिक्री करने की एक सांसद को क्या जरूरत, और उसकी फिर वीडियोग्राफी की जाए? पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि अगर विपक्ष ने कोई वैलिड इश्यू सामने रखा है और अगर इस तरह का कोई विषय, तो वो स्वयं गृहमंत्री या प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि आप आइए और सदन में बयान दीजिए। लेकिन वह अधिकार का उपयोग करने के बजाय जिस तरीके से मनमानी तरीके से विपक्ष के सांसदों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उससे वातावरण खराब हुआ है। बात तो सही है। विपक्ष निडर और निर्भीक एंकर संदीप चौधरी और LGPR के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK बाजपेयी के साथ हुई तीखी बहस। RSS से जुड़े संघी नेता प्रोफेसर संगीत त्रागी और LGPR की प्रवक्ता को संदीप चौधरी की सीधा सवाल शो पर दोनों की पत्तियां उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था, लगभग 150 सांसदों को संसद से मोदी सरकार बाहर निकाल दिया और उन्ही सांसद ने देश की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति महोदय जगदीप धनखड़ के संसद के बाहर एक मिमिक्री किया गया और उस मिमिक्री को राहुल गांधी ने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। उसी पर BJP उठा रहा है ये मुद्दा। विपक्ष धनखड़ साहब के अपमान करके पूरी किसान जाति को और जात समाज को अपमानित किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई थी ये जोरदार बहस, जहां पर संदीप चौधरी ने पूछा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटे ने थार से चार किसानों को रौंद दिया गया, तब किसानों की सम्मान हो रहा था कि अपमान? और मोदी सरकार में दो कैबिनेट मिनिस्टर खुली मंच से मीडिया के सामने उन किसानों को अर्बन नक्सल कहा था, तब किसानों की मान बार रहा था कि अपमान हो रहा? और देश की आन बान शान ओलंपिक विजेता बेटियों ने जब जंतर मंतर से BJP के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा था और उन लोगों को जो दिल्ली पुलिस ने कैमरे के सामने उसको घसीटा गया, उस पर देश की बेटियों की मान बार रहा था कि अपमान हो रहा? और कुश्ती में ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कुश्ती से संन्यास लेने की बात कर रहा था, एक ही सवाल को उठाकर कि भाजपा सरकार बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रहा है, उस पर BJP उन बेटियों की मान बार रहा था कि अपमान कर रहा था? इन्हीं सब सवाल सुनकर कैसे बौखला उठे ये भाजपा की दोनों ही प्रवक्ता। फिर लाइव डिबेट पर संदीप चौधरी ने उसको आईना दिखा कर कैसे धज्जियां उड़ाई, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। मैंने कह रहा हूं कि मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेके इतना भी संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। यह किसी जाति का अपमान नहीं है, यह किसी किसान समाज का अपमान नहीं हो सकता। हां, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको इस बारे में उनके लिए एक सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सम्मान है ना वो अर्जित की जाती है, सम्मान मांगा नहीं जाता। ये हुई ना बात। तो अगर आपने अपना सम्मान खो दिया, आपने अगर संवैधानिक और नियम कानून से बाहर निकल करके अगर आपने कोई एक भेदभावपूर्ण निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर पर इस तरफ भी लोग इंसान हैं और वो इंसान थोड़ी देर के लिए शायद उस स्तर से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने खुद कहा कि मेरी जाति का अपमान है, मेरे किसान समाज का अपमान है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। यू आर राइट ब्रो करके AK वाजपेयी तंत्र चलाना चाहते तो ये किसानों का मिमिक्री की गलत किया, पर इसमें किसानों का और जाटों का अपमान कैसे हो गया?
नहीं, वो धनखड़ साहब एक्चुअली क्या है, संवैधानिक पद है तो नंबर वन ये है, और दूसरा किसान संवैधानिक पद, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संवैधानिक पद में आप पार्टी ही नहीं, जात पात जाति धर्म सबसे ऊपर उठ जाते हैं, ये फंस गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो पूरे किसान, हम किसान जाति से ऐसा उनको फील होता है कि पूरे समाज को ही हमारे को अपमानित कर रहे हो आप इस तरह। अच्छा, जब मेरे को नहीं छोड़े जो मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हूँ, तो आपका इरादे क्या है? 378 दिन किसान बैठे रहे, डटे रहे, सर्दी गर्मी बरसात, 750 किसानों की मौत हो गई, सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? ये हुई ना बात। धनखड़ साहब सरकार है क्या? तब वो गवर्नर नहीं, धनखड़ साहब सरकार है क्या? तो गवर्नर क्या वो किसानों के डेमोंस्ट्रेशन में कर रही थी अपमान? अरे अपमान किया नहीं किया वो सब बातें नहीं, अपमान की परिभाषा समझना चाह रहा हूं। सवाल ये नहीं है किसान और जाट, वो एंगल भी वो लेकर आ गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, सच बोले और जवाब भी हम दे लें। हम ये कह रहे यहाँ सवाल क्या है, सवाल ये है कि कोई भी सिस्टम व्यवस्था से चलेगा कि नहीं चलेगा, आप क्यों करेंगे व्यवस्था? ऐसी नौबत आ गई है, 143 सांसद उनको निलंबित कर दिया जाए, एक सिंपल सवाल का जवाब मांगा जा रहा था संसद में, सेनमारी क्यों हुई उसका जवाब दे दो, बात खत्म। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, पक्ष को कहने से तो काम चलेगा नहीं। दूसरा पक्ष भी है, इस सरकार ने ये ठान लिया और खासतौर से स्पीकर साहब ने ये ठान लिया है कि व्यवस्था से लोकसभा या पार्लियामेंट चलेगी। ऐसे ऐसे सांसद जो 20-20 साल से हैं, 19-19 साल से हैं, उनको निलंबित कर दिया गया जो कभी निलंबित ही नहीं हुए थे। देखिए वो एब्सोल्यूट पावर डिस्क्रिशन उनकी स्पीकर साहब की है, यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। सवाल जवाब करने लगो या मिमिक्री कर दी तो अपने अपमान से उसको व्यक्तिगत निजी बना दिया जाए। देखिए पहले तो और उसमें जाति जोड़ दी जाए, समाज जोड़ दिया जाए। संदीप जी जवाब तो सुन लिया करो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई उनको नहीं रोक रहा सवाल जवाब करने से, नंबर वन। ओ फटे हो फेफड़े की दुकान, चल निकल। आज ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल सही है, उस पर बहस चल रही थी, विपक्ष के लोग हैं नहीं, हैं कितने? अरे तो क्यों नहीं है, ये 47% निलंबित कर दिए लोकसभा में से। वो अगर रूल परमिट करता है तो 47 क्या जितने हैं सारे सस्पेंड, तो पूरे विपक्ष को ही निकाल डालो। अगर दुर्व्यवहार करोगे, चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। चोरी कर दी, किस चीज की चोरी? इनडिसिप्लिन किया, इनडिसिप्लिन किया, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और बना रहे और सुषमा स्वराज ऊपर स्वर्ग में बैठे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो स्वर्ग में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। वो तो कहते थे गतिरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है, गतिरोध की भी सीमा है। अच्छा, वो सीमाएं लांघी गई, सीमाएं लांघी गई है, बिल्कुल लांघी गई है, रिकॉर्ड पे है बात। मतलब एक दिन 14 को, एक दिन 78 को, एक दिन 49 को, एक दिन 3 को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है क्या? सीधा सवाल संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, ये था कि भाई सेनमारी हुई, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? वो बात घूम फिर कर जात पर भी आ गई और अपमान पर आ गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का यह है हक है और ये जरूरी भी है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संसदीय जिम्मेदारी भी है उसकी। लेकिन राजनीतिक उत्श्रृंखलता की भी कोई अपनी सीमा होती है। अच्छा, आपके वाइस चांसलर आपको सस्पेंड कर देंगे यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप कुछ सवाल जवाब तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए मैं सवाल जवाब बिल्कुल करता हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस सदस्य का, जिस सदन के गरिमा को बनाए रखने का काम सिर्फ लोकसभा के, उसमें जाति और किसान कहां से आ गए? हाँ, जाति और किसान कहां से आ गए? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये उनका परसेप्शन है। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? ये तो उनके परसेप्शन को अब उनके, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था आगे बढ़ा रहा है। आप मुझे बताइए कि जब रमेश विधुड़ी ने जिक्र किया था तो किसी एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था निलंबित किया गया रमेश विधुड़ी? मैं निलंबित करने की बात, वो तो बात निलंबित की बात, वो चल रहा है, वो शोभनीय था, अशोभनीय था, अशोभनीय था, किसी ने उसको निलंबित, देखिए उसकी जांच चल रही है ना, मुझे उधर जांच कर रही है यहाँ बिना जांच के। मैं उसका उसका पहले चूतिया बनाया तुमको, जब उनको उस प्रकार की बातें रमेश विधुड़ी ने कही तो उसको क्या विपक्ष ने सारे मुसलमानों पर उसको नहीं बना लिया? तब आप कहते हैं कि नहीं किसानों पर नहीं बना रहे? वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यही कांग्रेस पार्टी थी कि पूरे मुस्लिम, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है,
जो भी कहा था वो गलत कहा था, उसकी घृणा, वो बहुत घृणा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति और जाट और किसान का तो जिक्र भी नहीं है उस पूरे वीडियो में, देखा होगा आपने। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था, लेकिन कार्ड विक्टिम कार्ड सहूलियत के हिसाब से बीजेपी खेल रही है क्या? ये फंस गया। मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। जब हमारी बहन बेटियां, इस देश की आन बान शान, हमारी महिला पहलवान बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह पर जो गंभीर यौन शोषण के आरोप थे, वो हमारी बहन बेटियों का अपमान नहीं था क्या? क्या बात है। बृजभूषण सिंह शरण सिंह पर तो आप लोग बहुत ज्यादा टिप्पणी करते हैं, पहले कांग्रेस के नेताओं पर भी आप पीछे अतीत में जाकर के आप देखिए क्या कि उनके खिलाफ कितना किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, प्लीज 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 मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। ये उनका, ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी उपसभापति जी उस सदन में बीजेपी ने नहीं कहा कि वो जाट हैं, तो जाट उनके साथ उन्होंने ऐसा कहा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सबके बयान है। देखिए, जब उपसभापति को ऐसा लगा तो उसके साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेटे ने चार किसानों को अपनी जीप के तले रौंद दिया, तब अपमान नहीं हुआ था किसानों का? देखिए वो क्या उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? और ये क्या जानकारी में नहीं है, ये जो किसान आंदोलन था एक प्रायोजित आंदोलन था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? किसानों के बारे में आप संवेदनशील हो रहे हैं? आपने अभी वाम गिरोह से घिरे हुए हैं राहुल गांधी, वो घिरे रहे और आपने आरोप लगाया। एक मिनट सुनिए ना। पर किसानों को जिन संज्ञाओं से नवाजा गया था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल, पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद आपके तब केंद्रीय मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद, अर्बन नक्सल कहा गया, तब किसानों का सम्मान हो रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। संदीप मुझे लगता है परिपेक्ष को रखना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारा किसान आंदोलन जो है नक्सलवादी है, खालिस्तानी है। उन्होंने कहा था, मैं फिर आपको करेक्ट कर दूं, किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ हो चुकी है, खालिस्तानियों की घुसपैठ तो हो चुकी है। सुन लीजिए, मैं से सारे किसान समाज, सारे जाट समाज में एक जिक्र कान हो गया। मैं जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। संगीत रागी, जातिगत जनगणना सामाजिक विषमताओं को बढ़ाएगी, आरएसएस ये कह रहा है, और यहां पर जाति की पहचान और जाति के अपमान पर लड़ाई हो रही है, ये अजीबोगरीब विरोधाभास नहीं है क्या? देखिए, जातीय जनगणना और जाति के आधार पर आरक्षण दोनों दो अलग सवाल हैं। दूसरी बात, जिस अंबेडकर को जिक्र कर रहे हैं, वही अंबेडकर जो बौद्ध जैन 1938 और 1942 तक तो मंदिर प्रवेश की तक बात कर रहे थे, वो हिंदू समाज से बाहर जरूर लड़ाई कर जनगणना होनी चाहिए या नहीं, नहीं मानेंगे। देखिए, मोहन संघ का प्रवक्ता क्या बोल रहा है, संघ का कोई नेता क्या बोल रहा है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा। संघ में मोहन भागवत जी ने क्या कहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, और संघ के मोहन भागवत जी ने सामने आ रहा है संघ का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज अपने अंदर जो लोग वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जातिगत जनगणना इस सवाल का हल नहीं है जिस सवाल से आप कह रहे हैं, यही तो अंबेडकर और तो जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं तो, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, मैं तो, आप उस ग्रुप का भी हिस्सा थे। देखिए बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसानों का अपमान किया गया उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके। संदीप जी, 750 किसान जिस एमएसपी गारंटी कानून को बनवाने के लिए शहीद हुए थे, उन 750 किसानों में वो 21 साल का नौजवान अजय ढुल भी था, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन आंदोलन खत्म होने के 2 साल के बाद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया, तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं है? शाबाश बेटा। अभी 10 दिन पहले भाजपा के जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा में कहा कि ये जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, किसी की बहू भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, इनकी बहू बहन बेटी इनकी मानती नहीं, तो क्या वो किसान समाज का वो अपमान नहीं था? यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात संदीप जी, देखिए पहलवान, हमारे देश में 20 से ज्यादा मेडल नहीं आए होंगे ओलंपिक में, तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सड़कों पे बैठे थे, किसान समाज के बेटे थे, जाट समाज से आते थे, उनकी बात सुनने की बजाय उनको सड़कों पे घसीटा गया, तो क्या ये किसान समाज का अपमान नहीं था? शाबाश। बहुत सारी जाट पंचायतें हैं, वो इसे कह रही हैं अपमान कर दिया उपराष्ट्रपति का। देखिए, वो दरबारी लोग हैं संदीप जी, हरियाणा में धड़ल्ले से भाजपा नेता 35 बनाम 1 का नारा देके उस जाट समाज को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, जिस जाट समाज ने देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी,
तो क्या वो जाट समाज का अपमान नहीं हो रहा है? मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। भाजपा इस चीज को, जाटों को लेके और किसानों को लेके इस मुद्दे को इसलिए घुसा रही है क्योंकि भाजपा को एक बात समझ में आ गई कि किसान समाज और जाट समाज के सहयोग के बिना उनका हिंदुत्व का कार्ड चल नहीं पाएगा, उनका हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया। तो समझ रहे हो आप? आज इतना ही, नमस्कार।